नवंबर का महीना पॉल्यूशन का महीना माना जाता है, लेकिन इसे लोग ये मनाते हैं कि ये कैंसर, लंग्स के कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर से के प्रति जागरूकता पैदा करने का महीना है, क्योंकि इसी महीने में हाल के सालों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है और पॉल्यूशन लंग्स कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि स्मोकिंग से भी बड़ा खतरा पॉल्यूशन है। हम बात कर रहे हैं यहाँ मेदांता मेडिसिटी में डॉक्टर अरविंद कुमार साहब से, जो लंग्स के और सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। ये बताएंगे कि क्या स्थिति है अभी। सर, आपने बहुत चौंकाने वाली जानकारी दी, जिसमें हम सारे लोगों को ये पता चला कि स्मोकिंग से ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से लोग लंग्स कैंसर के शिकार हो रहे हैं। जी, हमने अपने पिछले 10 साल में ऑपरेट किए हुए पेशेंट्स का जो डेटा एनालाइज किया, तो उससे कुछ 6-7 बहुत डिस्टर्बिंग फीचर्स निकल के आए हैं। एक तो लंग कैंसर का इंसिडेंस ओवरऑल बढ़ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, लंग कैंसर अब रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन में हो रहा है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो करीब डिकेड एंड ए हाफ अर्लियर हमारे पेशेंट्स हो रहे हैं, और करीब 8-10% पेशेंट्स हमारे 30s और 40s में हैं, जो एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। लेडीज़ में इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, और जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग फीचर हमने देखा कि पहले हम इसको मोस्टली स्मोकर्स का कैंसर मानते थे, बट अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में नॉन स्मोकर्स में भी ये उतना ही उभर के आ रहा है जितना कि स्मोकर में है। तो उनमें क्या कारण है? तो मेरा ये मानना है कि वो लोग एक्चुअली पॉल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं, और अगर हम पॉल्यूटेड एयर को और सिगरेट के स्मोक को एनालाइज करें तो हमें दिखेगा कि दोनों में ही कैंसर कॉजिंग केमिकल्स मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉन स्मोकर्स में हम कैंसर देख रहे हैं, इसके लिए पॉल्यूशन काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। आगे आने वाले समय में स्थिति कैसी होने वाली है? आगे आने वाले समय में स्थिति विकराल होने वाली है, और मेरा एक डर है कि अगले 10 साल में हम लंग कैंसर का एक ऑलमोस्ट एपिडेमिक ना देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होगा, यंगर पॉपुलेशन में होगा, नॉन स्मोकर्स में होगा, लेडीज़ में होगा, और सबसे सैड फैक्ट ये है कि 80% पेशेंट्स जब तक वो स्पेशलाइज सेंटर्स पे पहुंचते हैं वो स्टेज 3 या 4 में पहुंच चुके होते हैं। अर्ली स्टेज में केवल 10-20% पेशेंट्स का ही डायग्नोसिस होता है, और पब्लिक और इवन डॉक्टर्स में इसके बारे में अवेयरनेस ना होना, और दूसरा ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स के साथ ओवरलैप होना, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को इनिशियली ट्यूबरक्लोसिस मिसडायग्नोस करके कई महीनों तक ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं लेट स्टेज एट प्रेजेंटेशन के लिए जिम्मेदार है। सर, एक सवाल ये आम जनता के मन में भी है, मेरे मन में भी है, कि पोस्ट कोविड के दौरान क्या अनुभव हुए, क्या स्टडी हुई, क्या कोविड का से जो लोग ग्रसित हुए उनमें लंग्स कैंसर की आशंका बढ़ जाती है? कोविड के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सीटी स्कैन चेस्ट का कराया था, तो उससे कई पेशेंट्स में जहाँ पर उनको एसिम्प्टोमेटिक अर्ली लंग कैंसर डेवलप हो रहा था, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं थे, वो डिटेक्ट हुआ, और वो ट्रेंड अभी भी चल रहा है, क्योंकि कई लोग जिनको उस समय लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ था उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी 6-6 महीने में या साल साल भर में अपना रूटीन सीटी स्क्रीनिंग करा रहे हैं, और उससे अर्ली लंग कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। सर, आप हमारे साथ ही बने रहिए यहाँ पर। इस मौके पर बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने लंग कैंसर को मात दी है अपनी विल पावर से और इन डॉक्टर्स के आशीर्वाद से, यानी उनकी मेहनत से। हमारे साथ जैन साहब है, पूरा नाम जैन साहब। मेरा नाम सुभाष सिंह है। जैन साहब, क्या स्थिति थी आपकी, किस तरह से आप इसके चपेट में आए थे और कैसे आपने इसको मात दी? इसके लिए जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कोरोना को धन्यवाद दूंगा कि मुझे कोरोना हुआ सेकेंड फेज में, और उसके बाद मैंने सीटी स्कैन कराया तो मुझे लोकल डॉक्टर्स ने कहा कि आपको कैंसर है। बट पहले कोरोना का इलाज कराया गया, उसके बाद में मैंने आकर के यहाँ पर डॉक्टर अरविंद के पास में मैंने इलाज किया। तो इसका मतलब आप इस मामले में लकी रहे कि अर्ली डिटेक्शन हो गया। yes, जिसकी वजह से वेरी मच अर्ली डिटेक्शन। और मुझे एक बात पहले भी डॉक्टर ने कहा था और मैं आज इस बात को इसको प्रमोट करता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। लोग वक्त समझते हैं कि कैंसर हो गया तो अब मरने का दिन आ गया। नहीं, इफ यू गो टू ए राइट डॉक्टर एट द राइट टाइम देर इज अ राइट ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द कंट्री। क्या बात है। आप कभी स्मोकर भी रहे या नहीं? यस, मैं स्मोकर रहा हूँ
लेकिन मेरी बहुत थोड़ी सिगरेट पीता था, 4 सिगरेट 5 सिगरेट एक दिन में होती थी मेरी, और बट इट वॉज ए लॉन्ग ड्यूरेशन, 30-40 ईयर्स तक मैंने सिगरेट पी। फिर उसके बाद आपने कान पकड़ लिए? उसके बाद तो मैंने हाथ को सिगरेट को हाथ लगा के नहीं देखा। 16 अप्रैल 2021 को मुझे कोरोना हुआ और मैं यहाँ एडमिट हुआ था। दैट वॉज द लास्ट डे दैट आई स्मोक, देन आई हैव ए फीलिंग ऑफ द सिगरेट। उसके बाद आज तक मैंने सिगरेट को टच नहीं किया। सिगरेट पीने वाले सावधान हो जाएं और बिना सिगरेट पीने वाले पॉल्यूशन से सावधान रहें सर जी। तो इसमें अब सरकारें क्या करें और लोग क्या करें, इसमें आपका क्या संदेश है इस मौके पे? देखिए, स्टडी के बेसिस पे एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमें कुछ ना कुछ अर्जेंटली और मेजर स्टेप्स लेने हैं। स्मोकिंग के खिलाफ काफ़ी मुहिम चल रही है, लेकिन उस मुहिम को और ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको छोड़ें, नंबर एक। नंबर दो, पॉल्यूशन पे कंट्रोल लाने के जो भी प्रयास अब तक हुए हैं, मुझे लगता है उनको भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी स्केल अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने पॉल्यूशन को एक मेजर तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो वो आने वाले 10-20 सालों में लंग कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट कॉज बन के उभरेगा। और सैड पार्ट ये है कि यह प्रिवेंटिबल है, इसलिए हमारी आई थिंक बेस्ट स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि आज इफेक्टिव मेजर्स लेके उसको रोकें ताकि हम इस आने वाले लंग कैंसर एपिडेमिक को रोक सकें। सुनो गौर से दुनिया वालों, पैनी निगाह इस पे डालो कि धुआं कहीं भी हो, किसी भी सूरत में हो, आपके फेफड़ों के लिए हानिकारक है। चाहे वो चूल्हे से उठता धुआं हो, या फिर चिता से उठता धुआं हो, या फिर मोटर गाड़ियों वाहनों से या उद्योग से उठता धुआं हो, धुआं कहीं भी आपको चैन से जीने नहीं देगा। आप सिगरेट पिएं, बीड़ी पिएं, हुक्का पिएं या फिर सिगार पिएं, लेकिन आप ध्यान रखें कि यही आपकी तकलीफ़ों का, बुढ़ापे में मुश्किलों का कारण बन सकता है। प्रदूषण और धूम्रपान, ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिसके प्रति गंभीर हो जाएं, ताकि आपके आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें शायद वो शुद्ध हवा में सांस ले सकें। नहीं तो हमारी जैसी स्थिति है, शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना हमारी आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। खुद से प्यार करें, अपने आने वाली नस्लों का ध्यान रखें। संजय शर्मा, मेदांता मेडी सिटी, गुड़गांव, आज तक।